हेलो हेलो, माइक्रोफोन टेस्टिंग। हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? क्या हाल चाल? का हाल बा? केमो नाचो, केम छो? ये सारी चीज़ें कहने का मतलब है हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस बहुत ही खास वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथड ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस, आपके बीएड का जो दूसरा ऑप्शनल पेपर है। अगर आपका फिजिक्स है बच्चों, तो एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला प्रश्न है कि द रिलेशन बिटवीन फिजिक्स विद द अदर सब्जेक्ट, द को रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड द अदर सब्जेक्ट्स, भौतिकी विज्ञान का दूसरे विषयों के साथ क्या सहसंबंध है, उनके साथ क्या संबंध है, एक सवाल जरूर पूछा जाता है। कभी कभी मेंशन कर देगा कि भौतिकी विज्ञान का गणित के साथ क्या संबंध है या भौतिकी विज्ञान का जीव विज्ञान के साथ क्या संबंध है। कभी कभी ऐसे नॉर्मल कह देता है कि इसका अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है, लेकिन एक सवाल आपके बीएड में पूछेगा जरूर। तो अगर आपका भौतिकी विज्ञान है या फिर विज्ञान है तो मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और डिस्कस करेंगे कि भौतिकी विज्ञान का क्या है। दोस्तों, अगर बहुत लॉन्ग वे पूछता है 15 नंबर में, तो आप थोड़ा सा विज्ञान के बारे में भी लिख सकते हैं। विज्ञान क्या कहते हैं भाई? व्यापक अर्थ में हम किसी भी विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। वस्तु ज्ञान या व्यवस्थित ज्ञान या सुसंगठित ज्ञान या सुनिश्चित ज्ञान, इसको हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है, विज्ञान की आप परिभाषा देते हुए आप क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे, जिसका अर्थ है कि विशेष प्रकार का ज्ञान अथवा विशिष्ट ज्ञान। ठीक है, मानव विज्ञान मानवीय क्रियाओं में से एक है जो मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति के लिए आविष्कार करता है। इंसान जैसे जैसे जरूरतें बढ़ेंगी, हम साइंस से जुड़ते जाएंगे, नई नई चीज़ों का आविष्कार करेंगे, और वास्तव में इसी को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान के अगर साफ शब्दों में एक अर्थ समझने की बात करें, तो विज्ञान भौतिकी विज्ञान के बारे में, देखो भौतिक का मतलब होता है क्या? भौतिक को वेदों में, भौतिक को वेद से लिया गया, और इसका मतलब होता है प्रकृति, आपका नेचर। विज्ञान का मतलब आपने देखा कि विशेष ज्ञान, उसके बारे में जानकारी करना। तो वास्तव में अपनी प्रकृति को समझना, अपने प्रकृति को जानना ही भौतिकी विज्ञान होता है। ये दीवार है तो दीवार कैसे क्यों है, ये पेन है तो पेन कैसे काम कर रहा है, ये मोबाइल है तो आपका मोबाइल कैसे काम कर रहा है, इसी प्रकृति को जानना ही फिजिकल साइंस के अंतर्गत आता है। इसी फिजिकल साइंस भौतिकी को जानना ही भौतिकी विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के भौतिक गुणों, विभिन्न आकृति, ऊर्जा का सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति तथा प्रकृति घटनाओं की व्याख्या की जाती है, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो ये हो गई बात भौतिक विज्ञान की। आपका जो पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको समझना है, वो यहाँ से शुरू होता है। जो आपको पढ़ना क्या था कि भौतिक विज्ञान का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध, कोरिलेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सभी, शुरुआत कर लेते हैं, थोड़ा सा माहौल ये थोड़ा सा बना लेते हैं, प्रस्तावना लिख लेते हैं। सभी प्राकृतिक विज्ञानों में भौतिकी विज्ञान ही मूल रूप विज्ञान के रूप में क्या है, स्थापित है। एग्जाम्पल के तौर पे भौतिकी विज्ञान की, जब भौतिकी विज्ञान की बात करें, तो इसका मतलब ये नहीं केवल आपको लॉ, मोशन, ये सारी चीज़ें पढ़ना है, इसका मतलब फिर आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना है। इन सारी चीज़ों के अंदर क्या है, आपका साइंस का इस्तेमाल होता है। प्रारंभ में विज्ञान के अंतर्गत पदार्थ, आधारभूत गुणों एवं संरचना के विचार किया जाता था। आज भी भौतिकी का स्थान विज्ञान के विभिन्न वर्गों में व्यापक है, मतलब बड़ा है। रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भू विज्ञान, आयुर्विज्ञान, मेडिकल साइंस, इन सभी विज्ञानों की व्याख्या भौतिकी विज्ञान की सहायता से किया जा सकता है, या फिर ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इसकी भौतिकी विज्ञान इसकी व्याख्या करती है। अब जब हम सहसंबंध की बात करेंगे, तो जब हमारा पहला सहसंबंध है दोस्तों कि फिजिक्स और बायो का क्या रिलेशन है आपस में, भौतिकी विज्ञान और जीव विज्ञान का आपस में क्या संबंध है, इसको हम ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जीवों के आंतरिक तथा बाहरी अंगों के कार्य को सही प्रकार से समझने के लिए भौतिकी विज्ञान की आवश्यकता होती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी भी पुरुष का या महिला का, उसका ब्लड प्रेशर सही काम नहीं कर रहा है, तो इसकी जानकारी आप कैसे लेंगे? आप जो रीडिंग निकालते हैं 120 और 80, क्या ये बिना मैथ के पॉसिबल है? इसकी किसकी सहायता चाहिए? सॉरी, आपको फिजिक्स की सहायता चाहिए। तो जो उपकरण का आप इस्तेमाल करते हैं उसको बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? फिजिक्स की सहायता चाहिए। हृदय के कार्य को सही प्रकार से समझने के लिए पृष्ठ तनाव, कोशिका प्रभाव, दाब एवं पंप की कार्यप्रणाली की जानकारी आवश्यक है, इसके लिए भौतिकी आधारित है। इसी प्रकार आँखों की लेंस, एग्जैक्टली लेंसेज की बात करें, उसकी फोकस दूरी कितनी है, उसकी आँखों में कौन सा पावर लगाना है, कितने डायोप्टर का पावर लगाना है, उसकी ग्लासेस कौन से होंगे, इन सारी चीज़ों के लिए क्या चाहिए? आपको फिजिक्स होना जरूरी है। ठीक है, आँखों में लेंस जैसे उपचार के लिए भी चश्मे का प्रयोग, आँख के कार्य को समझने के लिए कैमरे का सिद्धांत समझना, अतः इन दोनों विषयों के गहरा संबंध है। भौतिकी विज्ञान और फिजिक्स का बहुत ही गहरा संबंध है। भौतिकी विज्ञान की जानकारी जीव विज्ञान को सही प्रकार समझने के लिए अति आवश्यक है। विभिन्न उपकरण जैसे सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप, हैंड लेंस, एपिडास्कोप प्रोजेक्ट आदि का प्रयोग जीव विज्ञान में किया जाता है, भौतिक विज्ञान सिद्धांतों पर आधारित है।
माइक्रोस्कोप हुआ या लेंसेस हो गए, ये सारी चीज़ें किस पे आधारित हैं? फिजिकल साइंस पे आधारित है, जो कि बहुत सहायक हैं आपके किसके लिए, बायोलॉजी के लिए, जीव विज्ञान के लिए। तो इस तरीके से आपको बना के लिखना है कि भौतिक विज्ञान के वो कौन कौन से कार्य हैं, भौतिक विज्ञान के वो कौन कौन से उपकरण हैं जो जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में आपके लिए सहायक होते हैं। समझ में आ गई बात, इसको लिख लेंगे बायोलॉजी और फिजिकल साइंस का, ठीक है। अब एक और आता है फिजिकल साइंस में, अब बॉटनी, जिसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं, ये बायोलॉजी का ही पार्ट है। अब इसके लिए कितना सहायक है, जैसे वनस्पति विज्ञान के अध्ययन में भौतिक विज्ञान सहायक, पेड़ों पौधे के अध्ययन करते समय उनके अनुकूल पर्यावरण का ज्ञान प्राप्त करना, कितना टेम्परेचर रखना है, कितना ह्यूमिडिटी रखना है, उसको कितना पानी देना है, इन सारी क्वांटिटीज का पता लगाना क्या है, पर्यावरण को ज्ञान प्राप्त करने भौतिक द्वारा निर्मित उपकरणों यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जैसे उच्चतम न्यूनतम ताप, आर्द्रतामापी, ब्रोमीटर, ये क्या वर्षा मापी, कितना आपको पानी चाहिए आदि का प्रयोग, क्षेत्र में ससंजन बल, मूल दाब आदि, ससंजन बल मैं हिंदी में नहीं समझ पा रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या चाहिए, जो उपकरण चाहिए, जो क्वांटिटी चाहिए, वो आपको फिजिक्स बहुत हेल्प करेगा आपको इसको समझने के लिए, ठीक है दोस्तों। कोई समस्या नहीं। अगला हम देखते हैं भौतिक विज्ञान का मैथ के साथ क्या संबंध। अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो बना रहा था जिसमें मैंने मैथ के वीडियो में ये एक्सप्लेन किया कि भौतिक विज्ञान और मैथ में क्या संबंध है। तो भौतिक विज्ञान के लिए मैथ को हाथ पैर कहा गया है, बिना मैथ के भौतिक विज्ञान चल नहीं सकता, तो बहुत ही सहायक है। जैसे मैंने उस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे वैल्यूज़ हैं, जैसे जी की वैल्यू हो गई, या बहुत सारे फॉर्मूला हो गए, के इजिक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर, वी इजिक्वल्स टू एस प्लस यू टी स्क्वायर, बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज हो गए, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, इन सारी चीज़ों के लिए क्या चाहिए, मैथ बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं है आपको कि आपने उसको वीडियो देखा होगा, लेकिन आइए फिर भी हम कर लेते हैं। भौतिक विज्ञान के अध्ययन में पग पग पर गणित की आवश्यकता होती है, कदम कदम पर, अगर फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं तो आपको कदम कदम पर मैथ की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब आपके फिजिक्स में आपको पढ़ना है कि किसी बॉल को आप कितने एंगल से मारेंगे कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर, या फिर जैसे हमारे भारत के जेवलिन थ्रोअर हैं नीरज चोपड़ा जी अभी बताए वर्तमान में पूरे विश्व के प्रथम स्थान पर हैं। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप भाले को कितने एंगल से फेंकते हैं कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस तय करता है, 45, ये 45 कहाँ से आया, आपको मैथमेटिक्स नंबर्स इस्तेमाल करके आपको मिलता है, तो कितना ज़्यादा सहायक है, ठीक है। इसी प्रकार से किसी भी वस्तु को कितने, जैसे एस्केप वेलोसिटी हो गया, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मैथ का इस्तेमाल है, ठीक है। तो ये रहा, एक्चुअली मैं मैथ और फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे मतलब मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, और जिसका मैथ रहता है फिजिक्स से उसका जुड़ाव हो ही जाता है। तो जैसे कि आप देखेंगे गणित, गति के नियम, लीवर के नियम, प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन, चुंबकीय आकर्षण नियम, विद्युत संचालन, जितने भी फॉर्मूले हैं मैथ के ना, सब में क्या होता है, फिजिक्स का इस्तेमाल होता है। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, केमिस्ट्री में आपका क्या इस्तेमाल है भाई, केमिस्ट्री में आपका फिजिक्स का क्या इस्तेमाल है। अब इसमें आपको निकालना है कि किसी भी, मान लो कोई भी केमिकल है, केमिकल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ठीक है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, उसकी कोई भी अगर एलिमेंट्स है उसका बैलेंसिंग कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, इन सारी चीज़ों का कैसे निकालेंगे, मैथमेटिक्स से ही निकालेंगे, ठीक है। भौतिक विज्ञान एवं रसायन एक दूसरे से अत्यधिक निर्भर है, भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान प्रकरण सिद्धांत सामान्य है, रसायन विज्ञान के बहुत से प्रकरण जैसे अणु परमाणु एटम मोल, रासायनिक विज्ञान के उष्मा हीट रिएक्शंस, बिजली द्वारा रासायनिक विश्लेषण, कार्बनिक रसायन, ये सारी चीज़ों में क्या होता है आपका मैथ का, सॉरी आपका ये रसायन विज्ञान और इसका फिजिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करें, तो इन सब में इनकी स्पीड और वेलोसिटी की बात करें, तो इन सब में फिजिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं कि चिकित्सा विज्ञान में, मेडिकल साइंस में फिजिक्स का क्या इस्तेमाल है, मेडिकल साइंस में फिजिक्स का क्या इस्तेमाल है, फिर से वही बात आ रही है, ठीक है। जैसे कि चिकित्सा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में रोगों के कारण, रोगों से संबंधित अनुसंधान, रोगों के उपचार हेतु भौतिकी तथा भौतिकी से संबंधित उपकरण, अभी किसी को भी ऑपरेशन करना हो, जो आपको सीजर्स चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए, आपकी जो लाइट्स चाहिए, आपके जो लेंसेस चाहिए, आपके जो बेड की एंगल्स चाहिए, कितने टाइम तक करना है, इन सब में आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना है, थर्मामीटर चाहिए, स्टेथोस्कोप, डॉक्टर तो उसके बिना काम ही नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें किसके सहायता से बनेंगी, एक्सरे मशीन्स हो गई, लेज़र बीम्स हो गए, आजकल तो लेज़र ऑपरेशंस हो रहा है, तो इन सब के लिए किसका सहायता चाहिए, क्या बिना फिजिक्स के ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना, तो आप इसी चीज़ को तो लिखना है, और कुछ करना है, और कुछ नहीं करना है। अगला पॉइंट देखते हैं, भौतिकी विज्ञान और भूगोल का सहसंबंध देख लेते हैं, ओके चलिए, भौतिकी विज्ञान और भूगोल के अगर आपसे रिलेशन पूछता है तो इसको आपको कैसे लिखना है। भूगोल भी विज्ञान से कई प्रकार से संबंधित है,
भूगोल में बहुत से प्रकरण इस प्रकार के हैं जो पूरी तरह से भौगोलिक पर आधारित है, जैसे चट्टानों का बनना, एग्जैक्टली चट्टान कैसे बनते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति के कारण, तारों का टूटना, ऋतुएं, मौसम, दिन रात, जलवायु परिवर्तन, ज्वार भाटा, वायु दाब, चंद्र व सूर्य ग्रहण, वर्षा में आर्द्रता, तापमान, भूधराय, गुरुत्वाकर्षण, भूचुंबकीय चुंब, ज्वालामुखी के कारण पृथ्वी के गर्मे छिपे, खनिज तथा उसके निष्कर्ष, बाद सिंचाई, ये सारी चीज़ें क्या है भाई? देखिए कितना संबंध है। अगर आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे ना तो फिजिक्स बहुत हेल्प करता है इन चीज़ों को जानने में। तो इस पॉइंट को लिखिएगा, बहुत ही अच्छा आपका पेपर हो जाएगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं कि भौतिकी विज्ञान का लैंग्वेज के साथ क्या संबंध। देखिए लैंग्वेज के साथ सिंपल इतना संबंध है कि लैंग्वेज का सही इस्तेमाल ही आपको सही भौतिकी का ज्ञान करा सकता है। अगर आपने लैंग्वेज का सही इस्तेमाल नहीं किया तो भौतिकी का सही ज्ञान नहीं हो सकता है। लैंग्वेज में आपने कुछ गलत बोल दिया, जैसे एक होता है वेक्टर, एक नॉन वेक्टर, तो आपने सदिश और अदिश, सदिश राशि को अदिश राशि कह दिया, अदिश राशि को वेक्टर और स्केलर होता है, राइट, वेक्टर स्केलर, सदिश राशि को अदिश कह दिया, तो चीज़ें क्या होंगी, वहीं से आपकी बदल जाएंगी। तो भाषा के विभिन्न विचारों, भाषा के विभिन्न विभिन्न विचारों के व्यक्ति संभव नहीं है, न ही विभिन्न जानकारी तथ्यों के नियमों का शैलबद्ध किया जा सकता है, मतलब श्रेणी वाइज किया जा सकता है। भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति, ज्ञान, खोज आदि व्यक्त करने के लिए भाषा का होना आवश्यक है। यदि साहित्य और भाषा का प्रयोग न किया जाए तो भौतिकी विज्ञान का खोज केवल एक ही व्यक्ति तक सीमित रह जाएगा। भाषा के ही माध्यम से तो खोज को आप आगे बढ़ाएंगे, जैसे जो इंग्लिश राइटर हैं, जो इंग्लिश साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, उन्होंने रिसर्च करके इंग्लिश भाषा के जरिए हम तक पहुंचाया, तो हम क्या करेंगे, अपनी रिसर्च को एक दूसरे से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं भाषा के माध्यम से। बहुत सारे भाषा की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अगर किसी चीज़ को सांकेतिक प्रदर्शित करना है, जैसे जी भाषा है, इंग्लिश भाषा में आपने लिखा, गुरुत्वाकर्षण अगर आप लिखना है तो आप क्या करेंगे, भाषा का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही गहरा संबंध है। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं इसमें, वो है भौतिकी विज्ञान का कला के साथ क्या संबंध है, आर्ट के साथ। देखो हम बहुत हद तक मानते हैं कि हमारा आर्ट और भौतिकी विज्ञान बिल्कुल अलग है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। प्रत्येक प्रकार की कलाकार, चाहे वो हाथ से कोई कला बना रहा हो, चित्र बना रहा हो, कोई शिल्प बना रहा हो, नृत्य, संगीतकार, भौतिकी मूल सिद्धांत का उपयोग कर विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। उदाहरण, चित्रकला के अंतर्गत किसी आकृति पर प्रदर्शित वस्तु की छाया कैसे निकालना है, कितना एंगल निकालना है, करने के लिए भौतिक विज्ञान आवश्यकता होता है। संगीत कला में वाद्य यंत्र जैसे हारमोनियम, पियानो, सितारा, वाड़ी भौतिकी सिद्धांतों के नियमों पर आधारित होते हैं। हाँ देखो, संगीत में भी कला में भी कुछ होता है, मतलब मुझे याद नहीं है, जैसे कि रस, छंद, ताल, ठुमरी, धुमक, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको सही इस्तेमाल करना पड़ता है, इसीलिए संगीत सीखना पड़ता है, इसलिए संगीत की क्लासेस लेनी पड़ती हैं। इसी प्रकार संगीत को प्रसारित करने के लिए, आपको दूसरों तक पहुँचाने के लिए, आपको रेडियो, ट्रांजिशन, टेप रिकॉर्डर, इन सब की जरूरत होती है, जो क्या है, भौतिकी उपकरण है, फिजिक्स उपकरण। दोस्तों सिंपल से मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपको सिंपल सा क्या करना है दोस्तों, जिस भी बारे में पूछा जाए पहले आप भौतिक विज्ञान की व्याख्या करेंगे, फिर आपको इनको संबंध दिखाना है कि भौतिकी का कितना इस्तेमाल है इस विषय में। तो इस प्रकार से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, आशा करेंगे कि आपके लिए कुछ सहायक होगा, यह वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा मैं उम्मीद करता हूँ कि यकीनन आप क्या कर सकते हैं, अपने शब्दों में सब चीज़ें को बना के लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए। ऐसे डेली 1x1 क्वेश्चंस अगर हम देखेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका पूरा पेपर तैयार हो जाएगा और एग्जाम देने आप बिना टेंशन के जाएंगे, टेंशन फ्री होकर जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी मेरी है, आपको भी मैं एक छोटा सा काम दूंगा, इन सारे पॉइंट्स को लिख लीजिए और अपने शब्दों में कितना आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उसका नोट्स बनाइए, नोट्स मुझे भी भेजिए मेरे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, और बाकी आपकी खुद की प्रिपरेशन तो हो ही जाएगी। बाकी दूसरा काम यह है बच्चों, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं जुड़े चैनल से, तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप कमेंट बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, तो मुझे वो पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। जो लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब किया बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जोड़िए और लोगों तक भेजिए और उनसे भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में आपकी नई जानकारी के साथ, भौतिकी विज्ञान या अन्य किसी विषय के टीचिंग पैडागोजी से संबंधित किसी इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।